आपसे कुछ कहना है। बोलना दी। सुनो ना, कुछ इम्पोर्टेंट है। क्या, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो मैं आपसे बहुत टाइम से छुपा रही हूँ दी। क्या हुआ बड़ी? You're scaring me now. क्या छुपा रही है? बोल। दी वो। हाँ बोल। दी वो I'm a lesbian. You are what? क्या है तू? इसी के लिए बड़ा किया था तुझे? हाँ? मॉम डैड के जाने के बाद मामा मम्मी ले जाना चाहते थे तुझे, याद है ना? 15 साल की थी मैं जब सबसे लड़ती तेरे लिए। How would you do this to me, यार? Thank God मॉम डैड नहीं रहे, वरना ये देख के ना मर जाते शर्म के मारे। तुझे शर्म नहीं आती है? How could you do this to me, यार? दी सुनो ना। Don't you dare. क्या हुआ बड़ी? कुछ नहीं दी। बड़ा सपना देखा? ये ले। सब ठीक है ना बच्चा? जी दी। आजा। डर मत तो। मैं हूँ ना हमेशा यहाँ तेरे साथ, हाँ? सच्ची दी? एकदम सच्ची। चल सो जा। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग सनशाइन। देख क्या बना रही हूँ तेरे लिए। मम्मा वाला पोहा। रात को तू बहुत डरी हुई थी ना, तो मैंने सोचा तेरे फेस पे स्माइल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मम्मा वाला पोहा। मामा पापा के जाने के बाद आप ही मेरा सब कुछ हो दी और तू मेरी। चल जल्दी से नाश्ता कर ले, सिमी आ रही है बैंड्रा में ना, आज बहुत बड़ा इवेंट है। सुन रही है? शक्ल क्यों बना रही है तू? हाँ मुझे नहीं अच्छी लगती आपकी ये दोस्त सिमी। 3 महीने हुए उसे आपके दोस्त बने और उसको ऐसा लगता है कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। सिर्फ मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड। तू मेरी छोटी बहन है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जिसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर क्या बच्चा सबसे ज्यादा प्यार? पूछने वाली बात है क्या? नहीं पर एक बात बताने के बाद जरूर है। बोल। वो दीप वो सिमी आ गई। कम कम। हाय परी। हाय। रेडी फॉर पार्टी? यू नो बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत सारे ब्रांड्स, ऑसम ब्रांड, लॉट्स ऑफ बॉयज। लॉट्स ऑफ बॉयज? परी सुन रही है? मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा है। आई एम श्योर परी को बॉयज में का इंटरेस्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बॉयज में इंटरेस्ट नहीं है। और तू चल रही है, मैं रेडी होने जा रही हूँ, तू भी रेडी हो जा, जल्दी कर। तूने इतनी बड़ी बात अपनी बहन से छुपा कर रखी? छुपा कर तो रखोगी ना? गंद है, गंद को ना बाहर नहीं लाना चाहिए। I have to get ready. So you're coming? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो इस बात की है, you're coming, but you're not coming out. I don't know what you're talking about. I think you do, and I will prove it. Pari? भगवान से कुछ और ही मांग लेते।
अरे कहाँ रह गई थी तू? कब से वेट कर रहे थे तेरा? पारी, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं ना दिया को वही कह रही थी कि प्राइड वॉक है कल, हमें ना जाना चाहिए। इट विल बी फन टू सी ऑल द व्यूअर्स। सैडली मेकिंग अ कंट्री सीनफुल, लेकिन एक दो को तो गालियां देकर आएंगे। मुझे नहीं जाना है प्राइड वॉक पे। आई मीन आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट आई आल्सो डोंट अंडरस्टैंड दिस। एंड आई एम श्योर परी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, है ना परी? हाँ, आई मीन मुझे भी इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। परी, मुझे ना तुम्हें कुछ दिखाना था। कुछ नहीं थी, स्टूपिड सा जोक था। स्टूपिड तो नहीं था, पर था क्या? छोड़ो ना दी, चलो हम लोग मम्मी के स्पेशल छोले भटूरे बनाते हैं। चल बाबा। ठीक है दी, मैं लेके आती हूँ। तुम करना क्या चाह रही हो? मैं क्या करना चाह रही हूँ? मैं तुम्हारे घटिया नोसी दिमाग में ना समझ डालने की कोशिश कर रही हूँ। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड माय बिजनेस यू लेस्बो? तेरे जैसे लोग ना एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। भगवान ने ना लड़की को लड़के के लिए बनाया, लेकिन तेरे जैसे लोग ना सब खराब कर रहे हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देर आर ओनली टू जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। ये बीमारी ना अपने अंदर से निकाल ले। आई वंडर जब दिया को पता लगेगा तो वो क्या करेगी? एक वही है ना तेरे पास फैमिली के नाम की, वो भी नहीं रहेगी। सुधर जा, वरना तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। दिया, थैंक्स फॉर डिनर। मैं ना अभी घर निकलती हूँ। अबाउट टाइम। हाँ, आई मीन उसको काफी लेट हो रहा होगा। नहीं, लेट हो नहीं रहा है, लेट हो चुका है। एक तो तू इतनी दूर रहती है, जब तक पहुंचेगी ना रात हो जाएगी, और तेरा एरिया भी सेफ नहीं है। एक काम कर, आज रात यहीं पे रुक जा, कल सुबह सुबह निकल जाना घर के लिए। ओके? नहीं नहीं, चली जाऊंगी, यही सही रहेगा। मुझे कोई शौक भी नहीं है यहाँ सोने का। मैं देख रही थी डिनर पे भी तुम दोनों ना एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे थे, क्या चल रहा है? अपनी बहन से ही पूछ लो। मुझे जो अपनी बहन को बताना है ना वो मैं बता दूंगी। अच्छा, अब तक तो नहीं बता पाई। अरे मुझे कोई बताएगा क्या हो रहा है? मेरे मुंह से ना ऐसी गंदगी नहीं निकलेगी। आई थिंक आई शुड गो। यू शुड, ऑफ कोर्स। तुम तो चाहोगी ना, तुम्हारे दिल में तो गंदे गंदे ख्याल आते होंगे मुझे देखकर, है ना? इन योर ड्रीम्स। गाइस, व्हाट डस इट इवन मीन? इसका मतलब ये है कि आई विल नेवर स्टे इन योर हाउस जहाँ लेस्बियन रहती है। न जाने रात में वो मेरे साथ क्या करे। What? How dare you, Simi? तू मेरी friend है, पर ये मेरी बहन है। तुम इसके बारे में ऐसा वैसा कुछ बोलो, I won't allow that. मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, अपनी बहन को ही पूछ लो ना। Actually, वो क्या ही सच बताएगी? कब से तो बस झूठ ही बोल रही है। क्या बोल रही है सिमी? हाँ? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना? ये क्या क्या बोल रही है ये सब? परी बोल, परी बोल। हाँ जी, I'm a lesbian. हाँ, मुझे लड़कियाँ पसंद हैं। I've been lied to you from so long. मैंने कहा था ना दिया, ये कब से झूठ बोल रही है? She's a widow, she's a lesbo. और तुम्हें ना ऐसी बदतमीज लड़की के साथ ना कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहिए। Disgusting she is. दी, आई एम सो सॉरी। मैं नहीं चाहती थी मैं आपसे झूठ बोलूं और आपको इस तरह से पता चले। दी, आई एम सो सॉरी। दी दी, कुछ बोलो। दी दी, कुछ तो बोलो। दी दी, यू डिजर्व दिस। व्हाई डू यू हैव टू डू दिस? गेट आउट ऑफ माय हाउस। व्हाई आई हैव टू डू दिस? तुम जैसे वेड़ों को सबक सिखाने के लिए। तुम जैसे लोग ना ये सब खराब कर रहे हो।
भगवान हमें ये सब कारनामे करने के लिए पैदा नहीं करता, शर्म आनी चाहिए। छी। और रही बात मेरे जाने की, सो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। दिया वापस आएगी तो उसे संभालने के लिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खड़ी होना चाहती हूँ, और शायद तुम्हें इस घर से निकालने के लिए ना मुझे उसकी मदद भी करनी पड़ेगी, समझी? दिया, दिया मैं तेरे लिए कितना परेशान हो रही हूँ, तू ठीक है ना? मुझे समझ में आ रहा है तुझे कितना बुरा लग रहा होगा, तेरी बहन है ही इतनी गिरी हुई। यू शुड थ्रो हर आउट ऑफ द हाउस। या आई शुड थ्रो हर आउट ऑफ द हाउस, है ना बारी? मेरी बहन जो भी है ना, मेरी बहन है, किसी को कोई हक नहीं बनता कि उसे नीचा दिखाए। What? You're okay with this? ये unnatural है, ये illegal है। This is not what God wants। ये आजकल का youth ना western culture को follow कर रहा है। बीमारी पाली हुई है। उसे सही करने की जगह। विकृति एवं प्रकृति। As per Indian Vedas, विकृति एवं प्रकृति। What seems unnatural is also natural. और जहाँ तक legal होने की बात है ना, तो 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया था। द कोर्ट हैज रूल दैट सेक्शन 377 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट इंफ्रिंजेस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंटीमेसी, ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी, थस लीगलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। और जो तुम ये भगवान की बात कर रही हो ना सिमी, हम सबको भगवान ने ही बनाया है। जब गॉड को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो तुम कौन हो? और ये जो तुम कल्चर की बात करती हो, पहले ना अपने कल्चर को थोड़े अच्छे से जान लो। हमारे देश में खजुराहो है, कामा सूत्रा, द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस सेम सेक्स रिलेशनशिप। वेदास डोंट रिस्ट्रिक्ट होमोसेक्सुअलिटी। देयर आर मेनी हिंदू डेटीज व्हिच आर शोन टू बी जेंडर फ्लूइड, दस फॉलिंग इनटू द एलजीबीटीक्यू स्पेक्ट्रम। ब्रिटिशर्स ने 1861 में हमारे देश में सेक्शन 377 लागू किया था। उससे पहले हमारे कल्चर में होमोसेक्सुअलिटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक इंसान होने के नाते सिमी, तुमने कभी सोच के देखा है परी जैसे लोगों को ऑलरेडी अपने आप से लड़ना पड़ रहा है, कैसा लगता होगा जब वो लोग अपने दिल की बात भी नहीं शेयर कर सकते? पर दिया मैं ये, यू नो व्हाट, तुम में ना समझने की समझ ही नहीं है। तो जैसे हमारे देश से ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला गया था ना, मुझे भी वही करना चाहिए, तुम्हें अपने घर से बाहर निकालना चाहिए। गेट आउट ऑफ माई हाउस नाउ, गो। आई एम सो सॉरी दी। यू शुड बी। तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे नहीं लगा था आप मुझे। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। सॉरी बच्चा, एंड आई एम सॉरी कि तुझे ऐसा लगा कि तू इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं शेयर कर सकती। दी, आई लव यू माय फिलो। पता है तुझे मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ? थैंक यू दी, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। Always love you, my kiddo. It's time to feel proud of who you are. It's Pride Month. Let's celebrate. Love is love. Okay? Yeah. अच्छा एक बात बता, तेरी कोई girlfriend है? Pride community. Love is love. And if you love content ka keeda, then subscribe, share, comment. Please.